थर्ड डे जयपुर में और हम बहुत आलस के बाद उठे हैं और अब जा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं कहाँ के लिए? क्लास सेशन के लिए। आज हमारा सेशन है फार्मेसी डिपार्टमेंट में, जिसको विज्ञान मंदिर बोलते हैं। तो मिलते हैं रेडी हो के। रेडी हो के निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और फिर निकल जाएंगे क्लासेस के लिए। तो चलो थोड़ा जतन करेंगे इसको खोलने के लिए। खुल गया। और ये व्यू है हमारे रूम के बाहर का एंड हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। आज हम पैदल नहीं जाएंगे, आज हम बस में जाएंगे क्योंकि हम थक जाते हैं रोज और हमारी बस हो गई है अब। और अजित भी आज फॉर्मल्स डाल के आए हैं इसलिए वो शर्मा रहे हैं। अनि दीदी आज सिंपल बन के जा रहे हैं, उनके बोलने का मतलब ये था। सो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और आज हम बस में जाएंगे, आज हम पैदल नहीं जाएंगे, आज हमारे लिए बस अलॉट हुई है। हाँ हम थक जाते हैं और आज हम ऐसे ऐसे बन के जा रहे हैं। तो हम बस में बैठ गए हैं और देखते हैं बस कब चलेगी और हम कब पहुंचेंगे। तो आज में कोई आया नहीं है, हम ही हैं, हम खाली और हम सबसे आगे आके बैठे हुए हैं। और हमारे साथ कौन है? रजत। हम वेट कर रहे हैं कि बस कब चलेगी। उनका मैसेज आया था 9:30 बस आ जाएगी या 40 शार्प चल पड़ेगी, तो देखते हैं। तो हम पहुंच गए हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट और अब हम ही जाएंगे कॉन्फ्रेंस रूम क्योंकि हमारे अभी दो लेक्चर्स होंगे जो थ्योरेटिकल होंगे और लंच के बाद उन्हीं पर प्रैक्टिकल होगा। तो हम अभी कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहे हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट के। और ये निधि दी हैं। और ये हमारे न्यू फ्रेंड्स हैं जो हमारे फ्रेंड्स बने हैं अभी। तो फाइनली हमें विज्ञान मंदिर मतलब फार्मेसी डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए हैं। और तो हम सेशन के बाद अभी बाहर निकले हैं और मैं तो बहुत बोर हुई हूँ, बाकी इनसे उनका पूछ लो। भाई मुझे इतनी मस्त नींद लगी हुई थी लेक्चर में बिकॉज वो केमिस्ट्री का था और केमिस्ट्री मुझे आती नहीं है। अनी दीदी स्लाइड चेंज कर रही थी क्योंकि कीबोर्ड उनके आगे था। अनी दीदी को समझ भी आ रहा था क्योंकि उन्होंने पढ़ा भी है ये टॉपिक पहले और हम बहुत ग्रेजुएशन में पढ़ा है। हाँ वो इनडायरेक्टली ये बताना चाहती है वो PhD कर रहे हैं ग्रेजुएशन में। और ये फार्मा डिपार्टमेंट के मिडिल में है गार्डन टाइप, बहुत सुंदर है। और ये सब बच्चे बैठे हैं जो कि सेशन लगाने आए हैं। इस कॉन्फ्रेंस रूम में हमारा सेशन लग रहा है। ये तो हम लंच के बाद जा रहे हैं और ये हमारे रूममेट्स हैं। हाय नेहा और ये भूमिका। तो अब हम जा रहे हैं अपने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम वाले लेक्चर में, मतलब अब प्रैक्टिकली। ओके तो ये व्यू आपने सुबह भी देखा है। Thank you.
एक्सपोर्ट करके ये तो ऐसे नॉर्मल है, वो प्लेट नॉर्मल है, हमने कुछ नहीं डाला। तो हमने कुछ डाला नहीं, फिर इतना ज्यादा हमने तो अभी हम NMR देख कर आए हैं। वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था क्योंकि वो रेडिएशन पे वर्क करता है। तो अब हम जा रहे हैं माइक्रोप्लेट ऐसे कोई रीडिंग जहाँ होती है वो देखने, तो आपको वहाँ मिलते हैं। मतलब मैं तो हम अभी देख के आए हैं माइक्रोप्लेट ऐसे रीडिंग और जितना भी एलाइजा टेस्ट है हुआ उस पर सैंडविच मॉडल दिखाया। तो अभी निधि दीदी आपको बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अभी तक का। निधि दीदी बोलो, मुंह मत छुपाओ, रहने दो इनको, रहने दो आप बोलो। स्टार्ट हो गया। वहाँ पे जो जो मेरी क्वेरीज थी एलाइजा को लेके या माइक्रो प्लेट को लेके, वो सब मेरी क्वेरीज दूर हो गई, मुझे अच्छा लगा। दूर हो गई, दूर हो गई, तो मैं और क्या बोलूं। हाँ ठीक है, ओके फाइन, रहने दो। अब मैं निकुंज से पूछती हूँ, हाय निकुंज, आप बताओ आपको कैसा लगा? देखिए, अब तो NMR ज़बरदस्त पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि ऐसा एक्सपीरियंस रोज रोज करने को मिले। ऑल द बेस्ट। ओके, आपसे अच्छा इन्होंने बोला है, थोड़ा तो कुछ बोल लेते और वो तो चुप ही हो गई है वहाँ पे, वो मिट्टी वाले बर्तन। तो कल हमारा आधा ही एक्सपीरियंस हुआ था डिज़ाइन वाले डिपार्टमेंट में, तो आज हम फिर से जा रहे हैं और जो चीज़ें हमने कल नहीं एक्सप्लोर की थी वो आज करेंगे। Just like the waist, babe, we were endless. Drowning in your eyes, put me in your tight. Do you still remember all the shit we used to do? The drunken walks at 2 a.m. in high school. अभी हम आर्ट डिज़ाइन से डिपार्टमेंट से आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं रजत आप प्रिंसिपल दिख रहे हैं की तरफ, कॉलेज के प्रिंसिपल ऐसा। क्या हम खेल सकते हैं? खेल सकते हैं, छेड़ सकते हैं, उसने भाव ही नहीं दिया। मैंने हाई बोला।